विगत कुछ दिनों से सूचना मिली थी गढ़वा बाजार सोनपुरवा बस स्टैंड और सोन बाजार वाले क्षेत्र में नशा का कारोबार और बिक्री किया जा रहा है और खास करके हीरोइन का बिक्री, जिसे युवा और कम उम्र के बच्चे जो है इसके चपेट में आ रहे थे और चोरी की घटनाएं भी हो रही थी। तो इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए गढ़वा पुलिस के द्वारा एक टीम बनाया गया और ऑपरेशन क्रिस नशा मुक्त के तहत एक कार्रवाई की गई, जिसमें 22/7 के शाम को सोनपुरवा से विकास गौड़ और दिलीप गौड़ को गिरफ्तार किया गया। उस समय वो नशीला पदार्थ हीरोइन की बिक्री करने के लिए निकला ही था और उसके पास से करीब 13 ग्राम हीरोइन और 5400 रुपये बरामद हुआ। सर आगे भी इस तरह का कार्रवाई होते रहेगा? आगे भी इस तरह कार्रवाई होते रहेगा, ये इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा।